गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम बैक टू आर चैनल अलीवेटिंग माइंड्स आज की वीडियो में हम न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स या जिन्हें हम मसल रिलैक्सेंट बेसिकली स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट भी कहते हैं उनके बारे में देखेंगे सो नाम से ही हम देखते हैं ये ड्रग्स किन चीज़ों पर काम करेंगे न्यूरो यानी नर्वस सिस्टम मस्कुलर यानी कि मसल्स सो ये ड्रग्स बेसिकली क्या करेंगे न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन होता है यानी नर्वस सिस्टम और मसल्स का जो जंक्शन होता है उसको ब्लॉक करने का काम करते हैं अगर वो जंक्शन ब्लॉक हो जाएगा फर्दर मसल मूवमेंट नहीं होगी मसल मूवमेंट नहीं होगी सर्जन सर्जरी परफॉर्म कर पाएंगे इंट्यूबेशन कर पाएंगे देन अगर किसी को मैकेनिकल वेंटिलेशन पर रखना है उन उस पर रख पाएंगे सो लेट्स ये होते क्या हैं ये जो ड्रग्स हैं ये न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशन को ब्लॉक करते हैं न्यूरो जंक्शन पर जिससे कि स्केलेटल मसल पैरालिसिस हो जाता है गैलेमाइन पहला ड्रग था जिसे न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया गया था ये इंट्यूबेशन के लिए मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए और सर्जरीज के लिए यूज़ किया जाता है सी विद एग्ज़ैम्पल ऑफ पिक्चर सो so, इंट्यूबेशन के लिए यूज़ किया जाएगा इंट्यूबेशन के दौरान अगर पेशेंट थोड़ा भी रिस्पॉन्सिव है कॉन्शियस है तो उसे इंट्यूबेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है इसीलिए स्मॉल क्वांटिटीज में इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है देन सर्जरी के दौरान इन एडजंक्ट टू अदर जनरल एजेंट्स यानी सिर्फ इनका यूज़ नहीं किया जाता मसल रिलैक्सेंट्स का इनके साथ साथ अदर आईवी ड्रग्स भी यूज़ होते हैं देन इन्हीशनल एजेंट्स भी यूज़ होते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए पेशेंट अगर पेशेंट को अगर मैकेनिकल वेंटिलेशन की नीड है तो सो न्यूरो ट्रांसमिशन आखिर ये होता क्या है अगर हम ये कॉन्सेप्ट समझ गए तभी हम इजीली आगे के कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे एज़ यू कैन सी ये जो है ये ब्रांच आप देख रहे हैं जिसकी ये ऐसे फिंगर्स बनी हुई है ये नर्व है और ये जो पर्पल कलर का आप देख रहे हैं ये क्या है मसल है सो होता क्या है नर्व से मैसेज ट्रांसफ़र होते हुए यहाँ मसल तक पहुँचता है और इस जंक्शन के थ्रू मसल को एक्टिवेट करता है यानी मसल को एक तरीके से ऑर्डर देता है कि उसे कॉन्ट्रैक्ट होना है रिलैक्स होना है अगर किसी भी कारण से इस नर्व से ये मैसेज इस मसल तक नहीं पहुंच पाएगा तो ये मसल क्या रहेगी रिलैक्स स्टेट में रहेगी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा और ये होता कैसे है ये जो नर्व का जंक्शन होता है ये नर्व एंडिंग्स होती हैं यहाँ से न्यूरो ट्रांसमिटल रिलीज़ होता है केमिकल रिलीज़ होता है जो जाकर मसल के रिसेप्टर्स पर जुड़ जाता है और उसके कॉन्ट्रैक्शन को करता है इस पिक्चर से आप इजीली समझ पाएंगे ये एक स्पाइनल कॉर्ड है जिससे नर्व ब्रांचेस निकल रही हैं नर्व से होते हुए ये जो आप देख रहे हैं स्पाक ये एक मैसेज है जो कहाँ पहुँच रहा है मसल तक पहुँच रहा है और जैसे ही ये मैसेज यहाँ पहुँच रहा है इस मसल का क्या हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है किसी भी रीज़न से अगर ये मैसेज ट्रैवलिंग जो है मसल तक नहीं पहुँचेगी मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा एंड वो मसल रिलैक्स स्टेट में रहेगी सो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक में आखिर होता क्या है ये नर्व की रूट है ये मसल की रूट है सो so, होगा क्या यहाँ से जो एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है जो जाकर मसल के रिसेप्टर पर जुड़ता है किसी भी रीज़न से अगर वो ब्लॉक हो जाए यानी यहाँ का एसिटाइल कोलिन यहाँ के रिसेप्टर पर अटैच ही ना हो पाए मसल का क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा मसल रिलैक्स रहेगी यही काम करते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स सो ये एक नर्व एंडिंग है ये मसल का डायग्राम है यहाँ पर आपको दो चीज़ों पे ध्यान देना है ये जो ब्लैक पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये हमारा ड्रग है जिसे हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर ड्रग कहेंगे यहाँ पर जो आप ये ब्लू एंड ग्रीन कलर के देख रहे हैं ये रिसर है मसल पर जिन्हें निकोटिनिक रिसेप्टर कहते हैं सो मसल का कॉन्ट्रैक्शन कब होता है जब ये हमारा ड्रग जब ये एसिटाइल अगर ये ब्लैक कलर के जो पिगमेंट्स हैं ये एसिटाइल कोलिन होते अगर ये यहाँ आकर जुड़ जाते इससे क्या होता मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता सो so, अगर हमारा जो ये जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर हैं ये दो टाइप के होते हैं डीपोलराइजिंग एंड पोलराइजिंग सो पहले हम डी पोलराइजिंग ही देख रहे हैं सो so, होगा क्या ये जो ड्रग है डीपोलराइजिंग ये आकर के मसल के इन रिसेप्टर्स पर जुड़ जाएगा यहाँ पर इसके जुड़ने से क्या होगा मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल का कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता जाएगा क्योंकि बहुत सारे जो ये ड्रग के पार्टिकल्स हैं ये आकर इन रिसेप्टर्स पर जुड़ जाएंगे और मसल की कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी एक पॉइंट के बाद मसल परालिस हो जाएगा क्योंकि मसल फटीग हो जाएगी मसल थक जाएगी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हमारे नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्रॉकरस होते हैं उनमें यह चीज़ नहीं होती उनमें क्या होता है ये जो ड्रग है ये सीधा इन रिसेप्टर पर जुड़ तो जाता है लेकिन मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता मसल सीधा रिलैक्स स्टेट में पैरालिसिस स्टेट में पहुंच जाती है ये नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर की इमेज है सो ये हमारा ड्रग था ये आकर के सीधा इन रिसेप्टर पर जुड़ गया इसके यहाँ जुड़ जाने की वजह से जो एसिटाइल कोलिन होता है जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन करता है उसके जुड़ने के लिए जगह ही नहीं बची तो इससे क्या होगा ये मसल रिलैक्स स्टेट में रहेगी तो डीपोलराइजिंग और नॉन डीपोलराइजिंग में यही फ़र्क होता है डीपोलराइजिंग ब्लॉकर मसल को पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके बाद रिलैक्स करते हैं नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट क्या करते हैं मसल को डायरेक्टली रिलैक्स स्टेट में पहुँचा देते हैं इसको अगर हम और दूसरे नाम से जाने तो जो हमारे डीपोलराइजिंग हैं उन्हें हम एगोनिस्ट बोलेंगे सपोर्टर बोलेंगे किसका एसिटाइल कोलिन का जो मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और नॉन डिपोलराइजिंग को हम क्या बोलेंगे एंटागोनिस्ट यानी जो एसिटाइल कोलिन के खिलाफ काम करता है नेक्स्ट सो डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर एजेंट में हमारा सबसे कॉमन यूज होने वाला सक्सिनाइल कोलिन है इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं मसल फेसिकुलेशन क्योंकि डिपोलराइजिंग है तो सबसे पहले मसल में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आएंगे जिससे पेशेंट में पोस्ट ऑपरेटिव पेन ज्यादा टाइम तक रहता है जॉर रिजिडिटी होती है अपनी सांस रुक जाने के चांसेस रहते हैं रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है ब्रेडिकार्डिया होता है हाइपोटेंशन साइनस टेकि कार्डिया प्रेशर इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं सेलिवेशन बहुत ज़्यादा होता है एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो सकता है कॉन्ट्राइंडेशन क्या हैं किन पेशेंट्स में हम डीपोलराइजिंग मसल ब्लॉकर यूज नहीं करते जिनमें ब्रेडिकार्डिया है न्यूरोलॉजिक इंजरीज हैं कोई स्ट्रोक हुआ है या पेशेंट को कोई हेड इंजरी हुई है डी डिसऑर्डर्स हैं पेशेंट को मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया की हिस्ट्री है यानी पहले कभी ऑपरेशन के दौरान पेशेंट का टेम्परेचर रैपिडली बढ़ा था उसका पोटैशियम लेवल बढ़ गया था ब्रेडिकार्डिया हो गया था तो अगर ऐसी कोई हिस्ट्री है उनमें भी हम नहीं देते सेक्सिनाइल कोलिन अगर कोई स्केलेटल मसल मायोपैथी है या फिर सूडोकोलिन एस्टरेज डेफिशंसी है इट्स नॉट एफ इट्स डी सक्सा मिथोनियम भी कहते हैं सक्सेनाइल कोलिन को ये जनरल एनेस्थीसिया में यूज़ किया जाता है अदर एजेंट्स के साथ ये ट्रैकिअल इंट्यूबेशन को फैसिलिटेट करता है स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन में हेल्प करता है या मैकेनिकल वेंटिलेशन में ये एक डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है इसका जो इफेक्ट है वो प्रोलोंग रहता है नेक्स्ट सक्सिनाइल कोलिन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर है ये क्या करता है कोलिनर्जिक रिसेप्टर पर जाकर के बाइंड हो जाता है और उस एसिटाइल कोलिन की तरह काम करता है और फर्स्टली क्या होगा मसल बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी उसके बाद जब उस पर फर्दर एबिलिटी नहीं रहेगी कॉन्ट्रैक्शन की वो पैरालाइज्ड हो जाएगी ये सक्सा मिथोनियम इंजेक्शन है ट्वेंटी एम जी पर एम एल के ये वायल है हमारा टू हंड्रेड एम जी पर टेन एम एल में इसके वायल भी आते हैं एम्प्यूल्स भी आते हैं इसे हम इंट्रावीनस भी दे सकते हैं या इंट्रा मस्कुलर भी दे सकते हैं अडर्ट में डोज होता है पॉइंट थ्री टू वन पॉइंट वन एम जी पर के जी थ्री टू फोर एम जी पर के जी आई एम भी दे सकते हैं अगर शॉर्ट प्रोसीजर है तो पॉइंट सिक्स एम जी पर के जी ये लोडिंग डोज था मेंटेनेंस के लिए स्मॉल क्वांटिटी रिक्वायर्ड है 0.04 टू 0.07 एवरी 5 टू 10 मिनट्स बच्चों में जो इन्फेंट है टॉडलर है उनमें 2 एम पर के ज़्यादा बड़े बच्चे हैं 10 साल से ऊपर पाँच साल से ऊपर के बच्चे हैं उनमें 1 एम पर के जी, के, पर के, जी के लिए 3 टू 4 एम पर के जी के लिए 0.3 टू 0.6 सिक्स एम पर के ही इनफ है नॉन डिपोलराइजिंग क्या करते हैं ये मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने देते डायरेक्टली मसल को पैरालाइज स्टेट में पहुंचा देते हैं इम्पल्स ट्रांसमिशन को इंटरप्ट करते हैं स्केलेटल मसल का पैरालिसिस कर देते हैं बिना उसका कॉन्ट्रैक्शन किए इनका यूज़ इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी में किया जाता है जिन पेशेंट्स को दौरे पड़ते हैं उनमें किया जा सकता है या पेशेंट को अगर हमें वेंटिलेटर पर रखना है उनमें किया जा सकता है सो so, देखते हैं कौन कौन से हमारे नॉन डिपोलराइजिंग मसल एजेंट्स हैं सबसे पहले लॉन्ग एक्टिंग कौन कौन से हैं पैनक्यूरोनियम डॉक्सा क्यूरियम ट्यूबाक्यूरेन पाइपे क्यूरोनियम मीडियम एक्टिंग कौन से हैं वैक्यूरोनियम एट्राक्यूरियम सिस रेपा रेपाक्यूरोनियम शॉर्ट एक्टिंग कौन से हैं मीवा क्यूरियम अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको ये सारे ऑप्शन में से दिए गए हों और पूछा जाए सबसे शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट कौन सा है वहाँ पर आंसर आएगा मीवा क्यूरियम और अगर लॉन्ग एक्ट एक्टिंग पूछा जाए तो डॉक्सा क्यूरियम सो so, पेंक्यूरोनियम क्या है इसको हम पेव्यूलोन के नाम से भी जानते हैं ये एक अमाइनोस्टीरोइड है ये लिवर के जरिए मेटाबोलाइज होता है जो जिनमें लिवर से रिलेटेड कोई भी पैथोलॉजी है कोई भी डिजीज़ है उनमें हम इसका यूज़ नहीं करेंगे ये वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर सकता है तीन से छः मिनट में ये काम करना स्टार्ट करता है सिक्सटी माइक्रोग्राम पर के बॉडी वेट इसका डोज हम दे सकते हैं रिकवरी होने में लगभग दो से तीन घंटे लगते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक ये एक्ट करता है इसे न्यू स्टिगमिन या एड्रोफोनियम के जरिए हम क्या कर सकते हैं रिवर्स कर सकते हैं इसके एक्शन को लोडिंग डोज 0.04 टू 0.1 वन एम पर के है मेंटेनेंस 0.015 टू 0.1 वन एम पर के जी डॉक्साक्यूरियम इसे डॉक्साक्यूरियम क्लोराइड भी कहते हैं सर्जरी और मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए यूज़ होता है इंट्यूबेशन के लिए रेयरली यूज़ करते हैं क्योंकि इसका असर बहुत देर में शुरू होता है इसे न्यूरोमैक्स भी कहते हैं न्यूनेट्स में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं. क्योंकि इसके अंदर बेंजाइल अल्कोहल होता है डोज इसकी पॉइंट जीरो फाइव एम जी पर के जी है देन ट्यूबोक्यूरेन टॉक्सिक एल्कोलॉइड है आजकल यूज नहीं होता इसके अब मच सेफ अल्टरनेटिव आ गए हैं एट्राक्यूरियम रॉक्यूरोम पिपेक्यूरोनियम ये एमाइनोस्टीरोइड मसल रिलैक्सेंट है मैक्सिमम तीन से छह मिनट में ये काम करना शुरू कर देता है फोर्टी फाइव टू एट्टी माइक्रोग्राम पर के जी डोज़ दिया जा सकता है लगभग फोर्टी मिनट से लेकर एक सौ दस मिनट तक इसका एक्शन रहता है ये वैक्यूरोनियम है मीडियम एक्टिंग न्यूरोमस्क्यूलर ब्लॉकर है ब्रांड नेम इसका नॉर्क्यूरोन है ट्वेंटी एम जी की इसकी डोज है ये पाउडर्ड फॉर्म में होता है इसे डाइल्यूट करना होता है सर्जरी मकानिकल वेंटिलेशन के टाइम पे इसका यूज़ किया जा सकता है ये ओनली आईवी दिया जाएगा इसका साइड इफेक्ट है हाइपोटेंशन प्रोलॉन्ग पैरालिसिस डोज लोडिंग पॉइंट जीरो एट टू पॉइंट वन मेंटेनेंस पॉइंट जीरो वन टू जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव डेंट्रोलिन के साथ इसका यूज़ नहीं किया जाता तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैक्यूरोनियम ऑप्शन दिए गए होंगे उनमें से किसके साथ यूज़ नहीं किया जाएगा सो राइट आंसर विल बी डेंट्रोलिन देन एट्रक्यूरियम, एट्राक्यूरियम को हम ट्रैक्यूरियम भी कहते हैं ये भी इंट्यूबेशन मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए यूज़ होता है डोज इसकी पॉइंट फोर टू पॉइंट फाइव एम जी पर के जी सिक्सटी सेकेंड में दिया जा सकता है मेंटेनेंस के लिए पॉइंट जीरो एट टू पॉइंट वन एम जी पर के जी आई वी देते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं स्किन फ्लशिंग होती है हाइपोटेंशन होता है इसका असर ढाई मिनट में स्टार्ट होता है सिस एट्राक्यूरियम बहुत ज़्यादा यूज होता है इसको हम निम्बैक्स भी कहते हैं ये भी इंट्यूबेशन और सर्जरी के लिए यूज होता है डिफरेंट डिफरेंट साइज के इसके वायल्स अवेलेबल हैं मार्केट में ये लिवर और रीनल डिजीज पेशेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है सो तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस या फिर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट ऑफ चॉइस फॉर पेशेंट विद लिवर एंड रीनल डिजीज़ सो तो वहाँ आंसर क्या आएगा सिस सेट्राक्यूरियम साइड इफेक्ट क्या है ये हिस्टेमाइन रिलीज करता है तो जिनमें ऑलरेडी पहले एनाफेलेटिक रिएक्शन यानी सीवियर एलर्जिक रिएक्शन की हिस्ट्री है उनमें हम इसका यूज़ नहीं करेंगे इसका डोज पॉइंट वन फाइव से लेकर पॉइंट टू एम जी पर के जी बोलस है इसका एक्शन तीन से पाँच मिनट में शुरू होता है रेपाक्यूरोनियम ब्रांड नेम रेपलॉन है एमाइनोस्टीरोइड है ये भी अब यूज नहीं होता क्योंकि इससे बहुत ही फेटल ब्रोंकोसपैजम होने के केसेस मिले थे ब्रोंकोसपैजम यानी कि ब्रोंकस में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन जिसकी वजह से पेशेंट ब्रीद नहीं कर पाता देन मेवा क्यूरियम मेवा क्यूरियम इंट्यूबेशन के लिए यूज़ होता है बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग है ये इसका असर पंद्रह से बीस मिनट रहता है डोज टू एम जी पर एम एल का इंजेक्शन आता है डोज सेवेंटी टू टू फिफ्टी एम जी पर के जी है नाउ इनका रिवर्सल कैसे होगा न्योस्टिगमिन का न्यो यूज़ किया जाता है ट्यूबोक्यूरेन के रिवर्सल के लिए और अगर हमें सक्सिनाइल कोलिन का असर अगर हमें रोक्यूरोनियम वैक्यूरोनियम का असर रिवर्स करना है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे सुगमा डेक्स सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू